अब ली नहीं सकता हूँ, कर रहा हूँ इस चीज़ को। आज मैं सारे दर्शकों से भी माफ़ी मांग रहा हूँ, गलती हुई उस इंसान को समझने में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसको मैं अपनों से बढ़ के इतना मानूंगा, वो उस अपने के लिए जो गलत कर रहा है। सिर्फ पैसा का खेल है बाबू भैया, सिर्फ पैसा बनाओ ब्लॉग भाई, सब कुछ करो, लेकिन कम से कम अगली को चले जाने तो देते। और उसके बाद भी मेरे को फोन करके बोलता है कि भाई मैंने तुमको बुलाया ही नहीं था। भाई तू होता ही कौन है बुलाने वाला? मेरे को जब बुलाया जिसने था, जिसकी सगाई थी उसने बुलाया था, जिसकी सगाई थी और उसी ने उसकी शादी में भी बुलाया था, अपने भाई की शादी में। नहीं तो इतना भी फिरा नहीं पड़ रहा कि मैं वहां पर पहुंच जाऊं। 1% ही बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा सारा 100 का 100। अब नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। लेकिन वहां पहुंच के मैं सुबह 5 बजे से शाम के 4-5 बजे तक लिटरली होटल में सिर्फ रोया हूँ कि मेरे को बुला करके एटलीस्ट। और जिसने बुलाया वो फोन पे नंबर भी देखो क्या से चेंज कर दिया, सचिन बिहारी, ये लिख दिया सचिन बिहारी। अरे बिहारी का फोन आ रहा है, काट। ये दिखाया मतलब सामने वाले को और मेरे से क्या बोला, अरे मेरे पास तो मेरा फोन ही नहीं था रात को 11 बजे तक मेरे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, सचिन मनीषा और जगत दीदी यानी कि आयरन लेडी की कंट्रोवर्सी एक बार फिर छाई हुई है पूरी सोशल मीडिया पर। जैसे ही रात सचिन लाइव आते हैं और उसमें उन्होंने इतने बड़े बड़े खुलासे किए कि लोग देखते ही रह गए, वो भी आयरन लेडी के खिलाफ, जिसे लोग आयरन लेडी मानते हैं, जगत दीदी मानते हैं, उनके खिलाफ सचिन ने बताया कि मेरा पूरी तरीके से यूज़ किया है इन लोगों ने और तिवारी फैमिली से मेरा कोई अब संबंध नहीं है और भाई वाला रिश्ता तो अब मेरा बिल्कुल ही नहीं रहा। हर किसी से लड़ना और हर क्रिएटर से अलग होना इनकी फितरत है। साथ ही उन्होंने बताया कि मुझे इंगेजमेंट में बुलाया गया था, साथ ही मैं गया भी था, लेकिन वहाँ से मुझे धक्के देकर निकाल दिया गया क्योंकि हो सकता है कि मैं वीडियोस बना लेता, पैसा कमा लेता। इसलिए उनके भाई ने उनको, उन्होंने अभय का नाम लिया कि उन्होंने मुझे वहाँ से धक्का देकर निकाल दिया। ये बात इंगेजमेंट के वक्त भी उठी थी कि सचिन आए थे, उन्हें धक्के देकर निकाल दिया गया, लेकिन यहाँ पर उन आयरन लेडी ने खुद कहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सचिन नहीं आया था और हमने किसी को धक्के देकर नहीं निकाला। लेकिन ये बात सचिन ने अब कबूली है कि वो इंगेजमेंट में गए थे लेकिन वहाँ से उन्हें धक्के देकर निकाल दिया गया। साथ ही उनका कहना है कि मेरा दिमाग बिल्कुल अपने वश में कर रखा था, मैं किसी से कुछ नहीं कर सकता था, मेरा बुरी तरीके से यूज़ किया है। सचिन ने अपनी वाइफ मनीषा से भी सभी के सामने माफ़ी मांगी, जितनी भी उनकी ऑडियंस थी। उनका कहना था कि मनीषा बिल्कुल सही थी लेकिन मैंने उसे हमेशा गलत समझा और हमेशा उसकी कही हुई बातों का बुरा माना, लेकिन मैं आज सबके सामने मनीषा से माफ़ी मांगता हूँ, गलती मेरी थी, मनीषा की बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे दिमाग का यूज़ किया गया, मुझे यूज़ करके फेंका गया, साथ ही मेरा दिमाग इस तरीके का कर रखा था उन्होंने कि अगर कोई मेरी वाइफ को मेरे सामने भी बुरा कह रहा है तो मुझे उसका बुरा नहीं लगता था। लेकिन सचिन ने अब कहा है कि अगर किसी ने आधा लफ्ज़ भी मेरी वाइफ के ख़िलाफ़ कह दिया ना तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। साथ ही सचिन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और बहुत ज़्यादा उन्होंने तिवारी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा कहा है जिसे लोगों ने कभी पहले नहीं सुना था। यहाँ पर मनीषा का सुबह ही एक कम्युनिटी पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने बताया कि मैं घर पर अकेली हूँ और मेरा जो लाइव था, सचिन और मनीषा जो लाइव आए थे, वो किसी ने सुबह डिलीट कर दिया है। अब जानने वाली बात यह है कि आखिर सचिन कहाँ चले गए हैं। साथ ही तिवारी यानी कि नेहा तिवारी ने भी एक कम्युनिटी पोस्ट डाला है जिसमें उनका कहना है कि हमारे घर पर खुशखबरी आने वाली है, मैं नहीं चाहती कि हमारे घर वालों पर कोई भी बुरा प्रभाव, उनकी भाभी की डिलीवरी होने वाली है, वो नहीं चाहती कि उनके घर वालों पर को कोई भी बात का बुरा लगे, इसलिए वो किसी भी तरीके की कोई बात फ़िलहाल नहीं करना चाहती हैं। लेकिन अभी और भी वीडियोस इस तरह के आएंगे, ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होने वाली नहीं है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।